लास्ट दिसंबर में मैं साई से मिली थी उनका, और तबीयत खराब होते जा रहे, क्योंकि 2 बार कोविड हुआ, इसके बाद स्वाइन फ्लू भी आए थे, और 6 टाइम्स गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गया था। इस बार थोड़ा सीरियस ही है, बार बार चेस्ट पेन आ रही और फ्रीक्वेंटली बेहोश होके गिर रही है, मतलब अनकॉन्शियस फॉल आउट्स ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए भी डॉक्टर्स वहाँ कह रही इनको एम्स में दिखाने के लिए। रूमेटिक्स प्रॉब्लम भी है, वो तो खाली एम्स दिल्ली में ही एड्रेस कर पाएंगे, कहीं भी नहीं है, वो भी एक है। ऐसा सिचुएशन में भी इनको 2 टाइम्स मेडिकल ग्राउंड्स में बेल रिजेक्ट किया, 3 टाइम्स पेरोल रिजेक्ट किया, इवन उनके मदर का डेथ का टाइम में भी पेरोल नहीं दिया। ऐसा हार्ट कंडीशंस हो, अंडा सेल के बारे में मैं और कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअल अंडा सेल इज़ ए टॉर्चर सेल यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। वैसा अंडा सेल अभी भी ये ह्यूमन राइट्स के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको वैसा ही जगह में रख रही। या साई जैसे 90% डिफरेंटली एबल पर्सन को 1 साल का जेल, मतलब वो 10 साल का पनिशमेंट जैसे है, क्योंकि इतनी हार्ट कंडीशंस है। नॉर्मल पर्सन्स की इनकी अलग है ना, ये वहाँ वैसा वायलेशन ऑफ प्रिजनर्स राइट्स। ऐसा सिचुएशन में भी इनकी अंडा सेल में सीसीटीवी रखा था, वो पूरा टॉयलेट ये सब कवर कर रही, तो वो राइट टू डिग्निटी इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है ना। तभी इन्होंने हंगर स्ट्राइक में बैठे थे, तब इसके बाद थोड़ा सा चेंज किया, सेल से बाहर रखा, बट 60% सेल कवर हो जाएगा ऐसे ही रखा था। अच्छा, अक्टूबर 14 को मुंबई हाई कोर्ट बेंच नागपुर में उन्होंने इनका एक्विटल किया है, वो बट उसी टाइम हमें तो बहुत वो न्यूज़ सुन के खुशी था। सब लोग हमें, कितने लोग फ़ोन करते रहा फ्रेंड्स, ये हमको पता है, क्योंकि एक्चुअली विदाउट एविडेंस एंड देर इज़ नो क्राइम आल्सो। इनकी वो 2017 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था, दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस एंड एलिगेशंस ओनली। कोई एक्चुअली हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक विचारधारा का लोग रहता है, दैट इज़ द डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, बट एक आइडियालॉजी का क्रिमिनलाइज करते हुए इनके पनिशमेंट देना, इसका मतलब है अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट कर रहे। ये एक्ट्स, हर कोई एक्ट हो, क्रिमिनलाइज क्रिमिनल एक्ट होगा तभी तो पनिशमेंट दे सकते। साई का केस में कोई वैसा क्राइम नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है, बट टोटली ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस एंड ये माओइस्ट के साथ लिंक है ऐसा एलिगेशंस के ऊपर ही इनको ये मास्टर माइंड है, ये लीडर है ऐसा बोल रहे। वो विदाउट एनी हेल्प ही कांट मूव, ऐसा आदमी का ऊपर ऐसा एलिगेशंस रख के ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। मेनली ये आदिवासी दलित माइनॉरिटीज राइट्स के लिए
ये आवाज़ उठाया, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया फंडामेंटल राइट्स को खुद सरकार ने वायलेट कर रहे, तभी तो ये जनता का खिलाफ रूलिंग पार्टीज जाते रह रहे हैं। जो पावर में है वो पॉलिटिक्स पावर यूज़ करके जो इनके जो वायलेशन जहाँ हो रही जनता के ऊपर जो दमन कर रही सरकार, इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही, तो उन लोगों को सबको अंदर जेल में रख रहे। ये बहुत मतलब डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी हमको जस्टिस मिल जाएगा, बट उस समय भी वही है मेरिट ग्राउंड्स में भी एक केस अच्छा है साई का, इसमें हमें उम्मीद है इनका रिहाई जल्दी हो जाएगा ऐसा। बट अक्टूबर 14 का उस समय नागपुर एक्विटल दिया, वो तो सैंक्शन का ऊपर मतलब एक टेक्निकल एक्सेप्ट में दिया था, मेरिट में वो नागपुर बेंच हाईकोर्ट ने अपना राय बताया नहीं, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये एक्विटल का ऊपर स्टे दिया था, तभी तो ये रिलीज नहीं हो पाई। हमें उस समय बहुत खुशी थे वो आ जाएंगे ऐसे ही, बट एक तरफ तो हमको ये भी लगा था क्योंकि इतने साल से इवन मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं, डॉक्टर्स भी बता रहे, तभी तो भी इनकी मेडिकल ग्राउंड्स में भी बेल नहीं दिया, पेरोल भी एक्चुअल 3 times पेरोल दिया नहीं। ये कोई एनी कन्विक्शन होने के बाद 3 years के बाद एनी प्रिजनर इज पेरोल एलिजिबल फॉर पेरोल, बट इनको पेरोल दिया नहीं, तभी तो हमें सोचा ये कुछ और करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आ सकते हैं, ये ही था हमारा। लायर सब लोग बोला नागपुर आने के लिए, मैं तो चलो पहले तो वहाँ सारे कार्रवाई कर लेना, मैं इतने में देखती हूँ, वैसा मैंने सोच रही वही उस दिन में भी मैं यही कहा था। साई बाहर जेल से निकल के आने तक मेरे को उम्मीद नहीं है, यही कहा मैंने, तभी तो वही हो गई। नेक्स्ट डे नहीं सैटरडे अर्जेंटली इसको बिठा के, कभी सैटरडे सुप्रीम कोर्ट बैठते भी नहीं, बट इनकी केस में तो बैठ के ये एक्विटल के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया था। फिर भी हम लड़ेंगे इसमें भी, क्योंकि साई एंड अदर्स साई केस में और 5 लोग हैं, वो कभी कभी कोई क्राइम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट से भी हमको जल्दी से जस्टिस मिल जाएगा, वो जल्दी साई रिहाई हो जाएगा, साई एंड अदर्स यही सोच रहे। और एक्चुअली साई एंड एक साई के साथ जो ये 6 लोग का, उसमें एक फार्मर JNU स्टूडेंट हेम मिश्रा है, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत राही हैं, और 3 आदिवासी से, उसमें एक विजय तिर्की को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल के बाहर है, बट बाकी 2 आदिवासी लोग साई को हेल्प करते थे जेल में। उसमें एक अगस्त 2022 में स्वाइन फ्लू का कारण से जेल डेथ हो गए, बट इस इनकी तो तबीयत ठीक नहीं, वो 1 महीने से बताते रह रहे हैं, वो इन टाइम में जेल अदार्टिस रेस्पॉन्ड हुआ नहीं, हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट नहीं किया,
इसी के कारण से ये जेल प्रशासन का नेग्लिजेंस के वजह से ही ये डेथ हो गई। ये स्टेट मर्डर है ऐसा स्टैंड स्वामी और कंचन नन्नावर अंडर ट्रायल है, वो भी बेलाकुल्ला जेल में थे मुंबई, उनको भी ब्रेन में ट्यूमर थे, वो विदाउट इन्फॉर्मिंग फैमिली मेंबर्स ये इनको सी कंचन नन्नावर को सीरियस हो गया तो वो खुद ऑपरेशन करवाया था, उसी टाइम वही ऑपरेशन में ये डेथ हो गए। वैसा मतलब स्टेट इतना क्रूएल एटीट्यूड प्रिजनर्स के साथ दिखा रहे। एक्चुअली हमारा इंडिया इज़ ए सिग्नेटरी ऑफ जेनीवा कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स कान क्या बोल रहे हैं अपने टॉर्चर के, हाँ नहीं नहीं सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशंस डिजेबल्ड राइट्स आल्सो एंड नेल्सन मंडेला रूल्स। इसमें नेल्सन मंडेला रूल्स मींस उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो पर्सन्स आउटसाइड जेल और इनसाइड जेल टू इक्वल टू द राइट्स एंड बेर मिनिमम अवेलेबल ऑफ हेल्थ फूड सिक्योरिटी ये था। बट वहाँ देखे तो इंडियन जेल्स ऑल ओवर इंडिया जेल्स आर यूजिंग टॉर्चर सेल्स जैसे एक प्रिजनर्स के साथ व्यवहार कर रहे। ये कभी एक्चुअल जेल मीन्स एक रिहैबिलेशन सेंटर जैसे काम करना है, बट ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वैसा प्रशासन जेल प्रशासन को वो ट्रेनिंग ही नहीं है ऐसा, वो कभी भी कोई पर्सन वहाँ जा रही तो इनकी वो क्रिमिनल साबित भी नहीं होता है। अंडर ट्रायल का ऊपर ही भी वैसा ही दमन है, कन्विक्टेड का भी वैसा ही दमन है। वैसा तो ये कन्विक्टेड भी हो अंडर ट्रायल्स भी हो इंडियन जेल्स में 80% आर इनोसेंट पीपल जेल में बंद है, वो क्योंकि वो अपना इलाका में जल जमीन जंगल को बचाने की पेड़ पहाड़ ये सारे बचाने का आवाज़ उठा रही यही लोग है सारे फॉल्स केसेस में रख के अंदर रख रहे। UAPA इज ए ड्रकनाइन ला, ये सबका ऊपर यूज़ कर रही। UAPA में एक्चुअल आप देखें तो 2% ही कन्विक्शन मिल रहे, मतलब जो एविडेंस और क्राइम साबित होके 2% कन्विक्शन हो रहे, बट बाकी लोग ऐसा कितने सालों से ना चार्जशीट ना कभी ट्रायल भी स्टार्ट नहीं होता है। ऐसा सालों साल UAPA केसेस में पूरा सड़ रही है, जेलों में तबीयत खराब हो रही मर रही है। ऐसा सिचुएशन में भी किसी को भी जो एलिजिबल है उन लोगों को छोड़ी नहीं रही। ऐसा प्रशासन जेल का प्रशासन ऐसा है और स्टेट का व्यवहार भी यही है। मतलब ये ऐसा ये भीमा कोरेगांव 16 का वही लोग भी है, साई का साथ भी यही चल रही। ये सब एक स्टेट अपना सोच ये जो प्रोग्रेसिव जो भी है उन सबका वही सोच डालने के लिए सोच रही है। वैसा तो डेमोक्रेसी कंट्री में एवरीवन हैव देयर ओन थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी, बट सब कुछ लोगों का
सोच को क्रिमिनलाइज कर रहे जो जहाँ रियल क्रिमिनल्स कल्प्रिट्स एंड कॉन्स्पिरेसी कर रहे उन लोगों को तो छोड़ के इतना बेल मिल रही पेरोल मिल रही केसेस भी पूरा एक्विटल करके बाहर छोड़ रही। ऐसा स्थिति में जो रियल ह्यूमन राइट्स के लिए हम जो काम कर रहे उन लोगों का न्याय मिलना मुश्किल हो रही है। क्योंकि ये क्यों, क्योंकि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, बट कुछ लोगों को वैसा पावर में पॉलिटिक्स में है उन लोगों को तो सब कुछ मिल रही, जो जनता आम जनता के लिए ये समाज के लिए बात कर रही। ये समाज मीन्स क्या है, ये कुछ लोगों को एक टाइम का भी खाना नहीं मिल रहे, वो 80% लोग ऐसा ही है इंडिया में। इन लोगों का जो खाने का पीने का रहने का सब कुछ सारे मिलना चाहिए, हमें यही चाहते हैं। इसके अलावा हमें कोई क्राइम नहीं किया, हम दो टाइम खा रहे तो एक टाइम भी खाना नहीं मिल रहे कुछ लोग, ये क्यों ऐसा, हम ये सरकार को पूछ रही। यही ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने ही बड़ा गुना, ऐसा सरकार हमारा ऊपर ये दमन चला रहे। ये पूरा टोटल इसी में, क्योंकि जो अरेस्ट हुआ वो अंदर रहना एक मुश्किल बात है, बट वो अंदर इतना झेल रही, हम फैमिलीज भी बाहर इतना ही तकलीफ में है। पूरा इसका अरेस्ट का बाद आपका पर्सनल लाइफ में कितना दिक्कत हो गई? हाँ, ये हमें तो वही बहुत दिक्कत है, क्योंकि कब तक एचएल साई में बचपन से फ्रेंड्स है, 10th क्लास से इनसे कभी मिला नहीं, बात नहीं किया, देखा नहीं, ऐसा नहीं था। यही फर्स्ट टाइम है ये 2014 से ये पीरियड ही, ऐसा इतना दूर और रोज़ नहीं देखते हैं, रोज़ नहीं बात नहीं हो पाती है, ऐसा मुश्किल कंडीशन है। ऐसा एक तो ये लीगल का भी एक दौड़ना है, पर कितने हमें कर रही तो भी हमको न्याय इतना दूर क्यों, मैं समझ में नहीं आते हैं। और ये एक तो इनकी तबीयत खराब होने के वजह से भी वहाँ क्या हो जाएगा, अभी तो देखिए इतनी ठंड है, इनकी ठंड में बहुत हाथ पैर ऐसा मुड़ जाते हैं, मतलब स्पैज़म एंड क्रैम्प्स आ जाते हैं, सीवियर पेन है एक्चुअली। लेफ्ट हैंड में नर्वस डैमेज की वजह से 24 आवर्स शूटिंग पेन रहती है, अनबेरेबल पेन लेफ्ट हैंड में और बैक में भी इनका है। वैसा सिचुएशन में ये और पेन्स ठंड में और बढ़ जाते हैं, और कब चेस्ट पेन भी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं ना, ये कार्डियक पेशेंट है, इसलिए थोड़ा हमें इनकी हेल्थ नाजुक के वजह से ही हमको ये टेंशन होता है कभी क्या कुछ होगा, क्योंकि इतनी अच्छा खासा आदिवासी पांडु नरेटा का भी डेथ हो गई, और स्टैन स्वामी ये सब लोग, वैसा हम ये तीन नाम हमें बता रहे, बट और कई लोग हैं इनके ना टाइम पर डायलिसिस भी नहीं होता है, हॉस्पिटल में एडमिट ठीक टाइम पे नहीं करते हैं, और डायग्नोसिस नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो कुछ टेस्ट के लिए लिखवाते हैं और उस डेट देते हैं, बट उस डेट में ये लेके नहीं जाते हैं प्रिजनर्स को, इसके लिए वो लंबा ड्यू रह जाती है, इतने में वो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। वैसा ही कई डेथ्स है अननोन, हमको अन रिकॉर्ड नहीं है, हाफ रिकॉर्ड का डेथ्स बहुत है।
ऐसा सिचुएशन में कभी नागपुर से लायर का अचानक फ़ोन आ गया तो भी हमको हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, क्या खबर सुनना पड़ेगा, ऐसा इतना टेंशन रहता है। एक तो बाहर भी कॉलेज में भी, इनके तो साई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इंग्लिश पढ़ाते हैं, बट रामलाल आनंद कॉलेज में दिल्ली पढ़ाते हैं। इनको 2021 में मार्च से टर्मिनेट किया था। वो टर्मिनेशन मतलब साई तो एक पैशन है टीचिंग, बचपन से भी वो बाकी जूनियर्स को पढ़ाते ही वो अपना पढ़ाई किया था पूरा। वैसा इतना रिमोट एरिया से फार्मर फैमिली है आया, फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमए किया इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में PGDD किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ाते थे। फिर इसको ऐसा सिचुएशन से मतलब वो टीचिंग लाइफ इनकी ऐसा था, वैसा टीचिंग से इनका निकाला गया है। वो बहुत अपसेट हुआ था साई ने, ये भी हमको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ गई। पहले हाफ सैलरी मिलते थे सस्पेंशन में, अब टर्मिनेशन होने के बाद पूरा सैलरी भी नहीं आते हैं, पूरा सैलरी बंद हो गए तो भी हमको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है। इसलिए नागपुर में है, बार बार जाना भी मुश्किल ही हो रही है हमको इतना मुलाकात के लिए, पहले जैसे नहीं जा पा रहे हैं। एक तो मेरा भी हेल्थ का प्रॉब्लम्स है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम मुलाकात के लिए इतनी आशा से जाते हैं बट वहाँ मुलाकात भी काली, इतनी सफ़र करके लंबा हम दिल्ली से नागपुर जाएंगे, वो ओनली 20 मिनट टाइम देते हैं, वो भी फ़ोन में बात करना पड़ती है, मतलब फाइबर ग्लास रहता है अकाउंट विंडो के इधर में एक फ़ोन है, विंडो के उधर साई के पास एक फ़ोन है, फ़ोन में बात करना होता है। मतलब ऐसे मैकेनिकली वो थोड़ा सा जल्दी, यही लीगल की बात ही होता है। ऐसा सिचुएशन में वापस आते समय और दुखी हो जाते हैं, मिलने तक मिल रही है ऐसा इतना जोश से जाएंगे, मिलने के बाद इतनी दुखी हो जाते हैं। वैसे ही साई का भी सिचुएशन है, बहुत बार साई भी वही लिखा था, तुम आ रही तो इतना खुशी थे, फिर तू जा रही तो पूरा ऐसा हो गए, बट वो जब मिले थे वही याद रख के मैंने पूरा गुजारते हैं ऐसा बताते हैं। मेनली साई वहाँ जेल में इतनी हार्ड कंडीशंस में भी कैसे जी रही, इनका तो ओनली रीडिंग एंड राइटिंग, वहाँ कितना मतलब एक तरफ स्टेट सोचना ये अच्छा ही सबका बताना ही क्राइम जैसे सब अपना मीडिया में प्रोपगेंडा कर रहे, ये बहुत गुनाह किया जैसे है ऐसा। वहाँ तो महाराष्ट्र में तो और बेकार है मीडिया, इतनी साई का ऊपर इतना खिलाफ, इवन गढ़चिरौली सेशंस कोर्ट जजमेंट में भी माइंड ये 90% डिजेबल्ड है बट माइंड इज स्ट्रांग, व्हाट्स द मीनिंग, माइंड वैसा स्टेटमेंट्स एक ऊंचा जज ऐसा बात करना सही बात नहीं है, ये तो उसी में ही पता चल रही है डेमोक्रेसी का खतरा क्या है। ऐसा मतलब श्रिंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये बढ़ते जा रहे 2014 से, ये इसी सिचुएशन में ये
अपना सोच हमारा ऊपर डाल के हमको हमारा थिंकिंग से हमारा आइडियोलॉजी से दूर करने का जो स्टेट सोच रहे हैं ना, वो गलत है, वो कभी नहीं होगा। ये इसलिए क्योंकि हमें तो कोई बुरा नहीं कर रहे, वो हमें हम भी यही पूछ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया राइट्स है वो खुद सरकार वायलेट कर रहे, तो हमें पूछ रही हमें वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आवाज़ उठाया, साई एंड अदर्स आल्सो। इसीलिए वो ऐसा सिचुएशन में भी साई अपना अच्छा टीचिंग, मतलब यहाँ टीचिंग से निकाले तो टीचिंग के लिए तो दुनिया भी बहुत है, वो वहाँ इनमेट्स को भी इन्होंने इंग्लिश अच्छा सिखाया, कुछ लोग वैसा रेगुलर करते हैं, हमें चिल्ड्रंस बुक्स एंड ग्रामर बुक्स रेगुलरली देते रहते हैं। और साई जेल से भी अच्छा, जो हमको मेरे को और फ्रेंड्स एंड अदर वेल विशर्स को लेटर्स लिखा था, उसमें और लेटर्स में अपना व्यूज एज ए पोएम्स ही डिस्क्राइब्ड है। वो लेटर्स एंड पोएम्स एक किताब, व्हाई डू यू फियर माई वे सो मच, ऐसा वो भी स्पीकिंग टाइगर्स ने निकाला था, वो लास्ट ईयर आए थे। वैसा साई एक गुगी वात्यांगो की, जो उन्होंने जेल में अपना चाइल्डहुड मेमोरीज लिखा था, गुगी वात्यांगो, उन्हीं का चाइल्ड मेमोरीज को हमारा मदर टंग में तेलुगु में ट्रांसलेशन किया जेल से ही साई, वो भी किताब आ गया। और एक तो 100 पोएम्स ऑफ फैज़ अहमद फैज़ का पोएम्स ट्रांसलेशन किया उर्दू टू तेलुगु में, वो आगे आ जाएगा अभी 2-3 महीने में, वो भी किताब आ रही है आएंगे। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी कभी भी जो अच्छाई को, ट्रूथ को रोकने का कोशिश करने से भी रोकेगा नहीं, जो सच्चाई है कितनी अंधेरा में रखने से भी कभी भी उजाला ही दे देगा। वो साई तो शाक हुआ था इसका, ये इसीलिए तो, क्योंकि ये वहाँ का सीनियर लायर्स जब ये फाइनल हियरिंग चल रहे हैं ना अपील का, तभी तो वो लोग सीनियर लायर्स भी बोला था ओनली ये सैंक्शन में एक्विटल देने से कोई वेस्ट है, और मेरिट में भी आपने देना है, या एक्विटल दे देगा या मेरिट में भी अपना राय देना है। बट उस समय वो बेंच नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डायरेक्ट करना चाहिए ना, इतना लंबा खींच रही ये साई का और हेल्थ बिगड़ते जा रहे, इसलिए हमें जल्दी सुप्रीम कोर्ट से इन ये इक्विटल को प्रमोट करना चाहिए। हाफ सैलरी मिल रही तो जस्ट हमको मैनेजेबल है, बट ये आने जाना लायर्स का ये सब तो होता ही है ना खर्चा, इसके ये एक्चुअली साई का एक कमिटी भी है ना, कमिटी फॉर द डिफेंस एंड रिलीज ऑफ जीएन साई बाबा, वो कमिटी हमको ये फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, और फ्रेंड्स भी, बचपन का फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं जब ज़रूरी है, ये कुछ लोग रेगुलर भी मदद करते हैं, वैसा ही है। गिलानी साहब उन्होंने तो हानी बाबू ये सब अभी नहीं है, तो आप तो ऐसे लग रहे आप अकेले हो गई,
हाँ, बहुत अकेला महसूस होती हूँ, बट और भी लोग हैं अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई, इसलिए मैं इतनी हौसला से स्ट्रांग लड़ रही, इसका मतलब यही है मेरे को सभी का मदद है, क्योंकि मैं ऐसा सिटी में है, कम से कम मेरे को टीचर्स एंड अदर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का हेल्प और इनकी थोड़ा मदद मिल रही, बट आदिवासी लोग को देखिए, उन लोगों को एक तो लैंग्वेज बैरियर है और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो इवन पांडु नरेटा का आदिवासी का साई केस में अगस्त में डेथ हो गई, इन्हीं का देखिए वो 2014 से इनकी फैमिली एक बार भी मिलने नहीं आ पाई, वो जब आया था इनकी बॉडी लेने आ गए, इतना दुख की बात है, वो क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि वो रोज़ अपना खाना पीने के लिए काम करना पड़ता है, जंगल जाना है कुछ तो करने, और एक तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ये वहाँ रिमोट जंगल से ये नागपुर तक आना मतलब है वो विदेश में जा रही जैसा सिचुएशन है, एक तो ये लैंग्वेज बैरियर है, ये समझना लीगल और एडवोकेट्स से मिलना, या इन लोगों को आदिवासी पर्टिकुलरली या पुलिस स्टेशन क्या है, कोर्ट क्या है, जेल क्या है, ये कुछ भी पता नहीं है, ऐसा एक फ्री लाइफ दे आर लिविंग ना, बट इनके ऊपर ये दमन हो रहे हैं, उनकी पूरा जमीन में जो खनिज है वैल्यूबल रिसोर्सेस को छीनने के लिए इनके ऊपर पूरा पैरा मिलिट्री वहाँ भेज के ये इन लोगों को फॉल्स एनकाउंटर में मरवा रही और विमेन का ऊपर रेप कर रही, बच्चों को भी मार रही, ऐसा सिचुएशन में वो स्ट्रांग अपना जल जमीन जंगल बचाने की लड़ रही, इन्हीं का देख के ही थोड़ा सा हमको हौसला मिलता है, क्योंकि इनकी तो कम से कम वहाँ क्या हो रहे बाहर न्यूज़ आने के लिए भी दरिया नहीं है, जो है वो जर्नलिस्ट को भी मार रही, ऐसा सिचुएशन में भी वो अपना पैर का जमीन छीन रही तो वो लड़ाई लड़ रही, ये तो अभी का लड़ाई नहीं, जब से ब्रिटिशर्स है रूलिंग तब से ये आदिवासी लोग लड़ रही, ऐसा इन्हीं का लड़ाई से ही थोड़ा हमको स्ट्रेंथ मिलता है, यहाँ बाहर इतनी लोग होते हुए भी हम कोई मतलब ऐसा सिचुएशन ही है ख़राब, इतनी ख़राब होते जा रहे हैं, जो पावर एंड पॉलिटिक्स उन्हीं का ही सब कुछ मिल रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रही, फिर भी यही उम्मीद से हमें लड़ रहे, क्योंकि हम तो कोई नहीं गुनाह नहीं किया, कभी भी एनी टाइम वी विल विन वी विल गेट जस्टिस।